नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे जी ला न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का दिखाई देता होगा, सब्सक्राइब करना। इसको आप दबाएंगे तो ये इसका रंग बदल जाएगा और ये दूसरे रंग में बदल जाएगा, काला हो जाएगा हल्का सा। तो आपका चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे लिस्टेड वीडियो आपको आते रहेंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं पीसीएस जी की। आज हम पीसीएस जी की तैयारी कराएंगे, जो हमारे जज बनते हैं पीसीएस जी। अगर आपने एलएलबी कर लिया है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि पीसीएस जी की तैयारी करना। तो पीसीएस जी की तैयारी करने में इसकी ज़रूरत होती है। तो एलएलबी करने के बाद आपको पीसीएस जी की तैयारी करना है। पीसीएस जी की तैयारी करने के बाद आपको जज बन सकते हैं। तो इसके लिए हम कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। हम आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे संविधान के बारे में, तो उसको आप देखिएगा और समझिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पीसीएस जी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को एकदम याद कर लीजिएगा, ये हर बार पूछा जाता है आपके में। तो इस प्रकार आप कर लीजिएगा एकदम याद, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में लागू किया था। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हरदम पूछा जाता है, कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो उसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पास हमारे राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। तो ये हर बार पूछता है जीवी मावलंकर, ये हरदम पूछता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, इसलिए इसको एकदम याद कर लीजिए। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था भारत में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 20 जुलाई 1991 को हमारा पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था इमरजेंसी, उसके बाद इंदिरा गांधी ने लागू किया था। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, 1955 में हरदम पूछा जाता है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 31 अक्टूबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। 31 अक्टूबर 1947 को हमारी देश के स्वतंत्र संविधान सभा। अब संविधान जब बना था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये हरदम सवाल आता है। तो हमारा सही उत्तर है सचिदानंद सिन्हा, ये एकदम याद कर लीजिएगा सचिदानंद सिन्हा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो हमारे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सवाल भी एकदम आता है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कर लीजिएगा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, इसका आंसर बताइए किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये बहुत दिनों तक रहे, 3 बार लगातार चुना जीते वो। और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, संविधान निर्माण पहला कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो किसके चुनाव किया गया था, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा चुनाव चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा उनको चुना गया था। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई को लोह पुरुष भी कहा जाता है, ये भी बार बार बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये एकदम याद कर लीजिए। लोह पुरुष और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात में बना है, जो मोदी सरकार के राज में बना है गुजरात में। याद कर लीजिए हमारे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। ये थी हमारी पहले लंबी एक अवधि जो कार्यभार संभाली थी, तो ये याद कर लीजिए राजकुमारी अमृत कौर। दादर और नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दादर कहाँ है? मुंबई। नई हवेली मुंबई है, तो कहाँ है? तो मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं, ये एकदम याद कर लीजिएगा। मूल संविधान में राज्यों कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो चार, एकदम याद कर लीजिए। मूल संविधान में राज्यों को चार प्रवर्गों में रखा गया है। पांचवा देख लीजिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो ये होता है 25 वर्ष। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 25 साल होना चाहिए। लोकसभा किसे कहते हैं? लोकसभा और विधानसभा होता है, विधानसभा राज्य के लिए होता है, लोकसभा संसद होता है उसके लिए होता है। तो आप अगर सांसद बनना चाहते हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, तो इसके लिए लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं कहीं से भी भारत में, अगर आप भारत के नागरिक हैं। 16 देख लीजिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय सबको मालूम होगा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, नेहरू परिवार में से कोई नहीं था, जे बी कृपलानी थे। कई लोग नेहरू जी को लिख देते हैं तो बहुत गलत होता है, तो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे, एकदम याद कर लीजिएगा। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों को पहले कितनी संख्या थी? 27 थी, इस समय 29 हो गई है, तो आगे भी बढ़ सकता है। तो मूल समय संविधान की संख्या में 27 राज्य थे, इसको याद कर लीजिएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्ष। तो गुटनिरपेक्ष शब्दों को 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में शब्दों में नहीं जोड़ा गया था, गुटनिरपेक्ष, याद कर लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? किस राज्य में हो सकता है? तो हो सकता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारे राज्य के विधान परिषद की सदस्य की संख्या सबसे कम है, याद कर लीजिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? सभी को मालूम है ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली, जो हमारे ब्रिटिश शासक थे उन्हीं के द्वारा जो नियम पुराने बने हैं अभी भी वह संसद में उसी नियम से चलते हैं, तो ये आगे भी चलता रहेगा, शायद बदलेगा नहीं, तो ये एकदम याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली से हमारी व्यवस्था चलती है भारत की। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बनाया गया था? याद कर लीजिए 1991 देश आजाद हुआ 1947 को, 1991 को पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया गया था। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 90, 100, 200 साल कोई भी हो सकती है, उसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का अंगीकरण किया गया था, याद कर लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का अंगीकरण किया गया था। किस 24वां देख लीजिए, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासन अधिकरण की स्थापना की गई थी? 1985 को हमारे गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी, 1985 बहुत बार आता है, याद कर लीजिएगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य वो हमारा था दक्षिण भारत का तमिलनाडु, याद कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। जब जवाहरलाल नेहरू का पद उसमें प्रधानमंत्री पद पर ही थे और उनका निधन हो गया था
उसके बाद गुलजारी लाल नंदा ने इसका हमारे जो पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनके पद को उन्होंने किया था, गुलजारी लाल नंदा ने किया था। याद कर लीजिएगा, राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था नागौरा, नागौरा से हुई थी। हमारे राजस्थान की पहली पंचायती राज व्यवस्था नागौरा से हुई थी। याद कर लीजिए, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। 29वां देख लीजिए, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि को निर्वाचित होकर आए थे? 208। 296 में से 208 लोग कांग्रेस के आए थे के विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा में। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। 31 देख ले से 31वां, भारत की संघीय व्यवस्था स्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। हमारे जो भारतीय संघीय व्यवस्थापिका है किस नाम से जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से हमारा भारतीय संसद का निर्माण होता है। ये एकदम याद कर लीजिए, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा हमारा भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद के कितने सदन होते हैं? सबको पता होगा, दो सदन होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी जो होते हैं वो वहां से चुन चुन के आते हैं, जनता के अंदर चुन के आते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति है। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समांतर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 6 माह। अगर आप 6 माह के अंदर संसद का अधिवेशन करते हैं तो आपातकालीन में ही कर सकते हैं, 3 साल 3 महीने या 2 महीने के अंदर। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 6 माह का आपका अधिवेशन होना चाहिए। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर शक्ति होती है, वो भारतीय संसद को भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता किसे सब प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? सदन विधेयक में। अब याद कर लीजिएगा, साधारण विधेयक में होती है संयुक्त बैठक। संसद प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघी सरकार के नाम से। बार बार ये नाम आता है कि संसद को हम लोग संघी सरकार के नाम से भी जानते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? पहली बार संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु सदन कब बना था? 1989। इस समय देश अस्थिरता के दौर से चल रहा था। उस समय हमारा कांग्रेस और कई दलों ने मिलकर कांग्रेस का विरोध किया था, इसलिए ये त्रिशंकु सदन की गठन हुआ था। 1989 को याद कर लीजिएगा। अस्थायी सदन भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1992 में अस्थायी सदन। तो हमारा जो अस्थायी संसद था भारत में कब तक रहा? 17 अप्रैल 1982 को हमारा संसद में पूरे तरीके से लागू हो गया। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो ये बहुत जरूरी है, 1927 को हमारे संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने हमारे संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा क्या होता है? जिसमें सांसद वो क्या करते हैं, एक प्रत्याशी को चुनते हैं, तो वो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का
ठीक है, इसमें विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तब वो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के गर्भवती संख्या क्या है? तो कुल संसद संख्या का 1/10 भाग गर्भवती संख्या होगी। 49वां है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा उस अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? सही उत्तर है 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने की कितने बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? 14 दिन बाद। 14 दिन के अंदर उसको लौटाया जाता है। अगर आपको और भी अधिक इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके अगला 50 भाग बना देंगे। भारत के संविधान की और जानकारी आपको मैं बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो आपको संविधान, भारत के संविधान को महत्वपूर्ण क्वेश्चन है PSC JEE की आपकी तैयारी होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।